हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे बहुभाषावाद। बहुभाषावाद क्या है? जब हम एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करते हैं उसे बहुभाषावाद कहते हैं। जैसे एक रीजनल लैंग्वेज हो गई, एक हम नेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक हम इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? जब हम दो या दो से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करते हैं उसे ही बहुभाषावाद कहा जाता है। तो इसका जो संबंध है वो किसी समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली एक भाषाओं से है। सामाजिक मीडिया और रुचियों में वृद्धि होने से लोगों की बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसी तरीके से जब हम भाषावाद की बात करते हैं तो उसमें हम अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं और मीडिया के द्वारा भी हम जो है अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। हम उन्हें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, जब हम पढ़ते हैं या हम मीडिया में देखते हैं, उससे जो है हमारे जितने भी हमारे इंटरेस्ट हैं वो भी बढ़ते हैं। जो लोग हैं वो आपस में बातचीत करते हैं अलग अलग भाषाओं में। जब कोई ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करता है या उसे ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, ज़्यादा भाषाएं आती हैं, तो उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है। इसी तरीके से बदेगो ने क्या कहा है? किसी व्यक्ति की उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है जिसके अंतर्गत वह एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने में समर्थ होता है। जब कोई भी व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करता है उसे बहुभाषावाद कहा जाता है। काचरू के अकॉर्डिंग बहुभाषावाद क्या है? किसी भाषाई समुदाय के सदस्यों का वह भाषाई व्यवहार है जो किसी परिस्थिति अथवा कार्य के लिए दो, तीन अथवा अधिक भाषाओं का प्रयोग विकल्पों के रूप में करता है। एक है एक तरह का व्यवहार है, बिहेवियर है काचरू के अकॉर्डिंग, की जो चेंज होता रहता है आगे जब हम प्रयोग करते हैं दो या दो से ज़्यादा भाषाओं को। सो बहुभाषावाद का उपयोग ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, तो इसकी हम विशेषताएं अब जानेंगे। सबसे पहली विशेषता है बहुभाषावाद एक ही समय में एक व्यक्तिगत विशेषता और एक सामाजिक व्यवहार भी है कि कैसे हमने दूसरों के साथ बात करनी है, कैसे हम दूसरों के साथ डील कर सकते हैं। बहुभाषावाद हमें वही सिखाता है। बहुभाषावाद समाजों समूहों की वह स्थिति है जिसके अधीन वे अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। बहुभाषावाद क्या है? जब हम दो से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करते हैं वही बहुभाषावाद कहलाता है। विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। जब हम अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो दूसरे भी हमसे क्या है, प्रभावित होते हैं और वो भी वो लैंग्वेज को या उस भाषा को सीखते हैं। इससे जो है बहुभाषावाद बढ़ता है। बहुभाषाई योग्यता से हमें अन्यों के विषय में अपने भ्रम दूर करने में भी सहायता मिलती है। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, उसकी लैंग्वेज हमें आती होगी तभी हम उससे बातचीत कर पाएंगे। अगर उसकी भाषा हमें आती होगी तो इसी तरीके से तभी हमारे भ्रम दूर होंगे जब हम उस व्यक्ति से बातचीत करेंगे। और हम बातचीत कब कर पाएंगे? जब हमें उनकी भाषा आती होगी। नेक्स्ट है, इससे व्यक्ति की योग्यता के साथ साथ अपनी सामाजिक राजनीतिक संभावनाओं और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। इससे हमें क्या है, अगर हमें ज़्यादा भाषाएं आती होगी तो हमारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ती हैं। हमें ज़्यादा जो है जॉब्स प्रोवाइड हो सकती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि इस रीजनल लैंग्वेज जो हमें आती है तो दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, अगर नेशनल लैंग्वेज नहीं आती या हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं आती तो वही हमें जो रोज़गार के अवसर हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा भाषाएँ आती हैं तो हम कहीं पर भी जाकर जो है सेटल हो सकते हैं और जॉब जो है वो हमें प्रोवाइड हो सकती है, रोज़गार जो है हमें प्रोवाइड हो सकते हैं। तो इसी तरीके से उसके अवसरों की भी वृद्धि होती है। सो इसलिए आज हमने बहुभाषावाद के बारे में जाना। बहुभाषावाद क्या है? जब हम दो या दो से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करते हैं या हमें उन भाषाओं का जो है पता होता है कि कैसे बात करनी है दूसरों के साथ, अगर हमें ज़्यादा भाषाएं आती हैं उसे ही बहुभाषावाद कहा जाता है। सो आज हमने बहुभाषावाद के बारे में जाना। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।